तो कल का आप लोगों ने बिलाल भाई के साथ प्रैंक वाला व्लॉग तो देखा होगा। अभी इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इससे आगे हम गए थे उमर भाई के फार्म हाउस, उसके बाद उस्मान के विलेज। सब चीज़ आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो मिलते हैं उमर भाई के फार्म हाउस में। तो भाई अभी उमर भाई के फार्म हाउस से निकल रहे हैं, अभी चलें। चलो भाई चलो। चलते हैं अभी सीधा बिलाल भाई के पास। बिलाल भाई नहीं छोड़ रहा, तो जाना पड़ेगा इसके पास। इसके बाद होम टाउन जाएंगे, उधर ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो फिर निकलेंगे वहाँ से। वैसे नाश्ता अभी भी कर लिया, लेकिन इसके अब्बू ने मुझे कॉल किया स्पेशली, इसलिए तुम बोलते मैं नहीं आता कसम से। चलें अभी अभी जाएंगे भाई बिलाल भाई के पास, नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे उस्मान भाई के गाँव। Moments later. ये इधर बिलाल भाई के होम टाउन पहुंच चुके हैं, अभी इधर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके तो सीधा उस्मान भाई के गांव। जल्दी करो बस, चले गांव यार। चले अभी चले। कितना टाइम लगेगा? मैं तो कह रहा हूं विलेज चलो। कितना टाइम लगेगा आप इसका गांव? इनका गांव 30। तुम्हारे नाश्ते में? नाश्ते में 5। सही है। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है बस, और मिला रहे थे नाश्ता करके, तो फिर सीधा निकल देंगे। सही है ना? अब तुम छोड़ोगे? सही है यार कसम, अब तुम छोड़ोगे आपकी गाड़ी मेरे पास है। नहीं नहीं, अब तुम छोड़ोगे? सही है, चाबी मेरे पास है, ऐसे आगे जा ही नहीं सकते आप। ऐसे आगे जा ही नहीं सकते। मैं ज्यादा मजे से चाबी लूंगा, उसी उसी गाड़ी ले जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर इसने चाबी नहीं दिया ना, इसके सारे सीक्रेट से आपको बताऊंगा मैं। बताओ। मैं तो बादन को बोलूंगा, तुमसे फिर बात करूंगा मैं, बिलाल की सीक्रेट बताओ उसके अब्बू को। सही सही, ये कह रहा नहीं छोड़ूंगा मैं नाश्ता करके, तो फिर देखो मैं कैसे जा रहा हूँ। इधर दिखूंगा भी नहीं मैं, इधर जाहिर कोई था बैठा। कहाँ जाओगे? इधर निकलूंगा मैं यार उस्मान के गांव कसम से। Few moments later. तो भाई अभी नाश्ता वगैरह सब चीज कर लिया, अभी बिलाल भैया में दिखा देना। अब देगा वहां बोलो। सही है, मेरे लोग इसके भाई चाचू ने वॉइस किया था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी उसकी थी। हाँ कसम। इजाजत लेके आ चुके हैं, अभी गाड़ी में ईरानी पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि वो पीछे पेट्रोल पंप था वो थोड़ा महंगा दे रहा था ईरानी पेट्रोल। इसमें देखते हैं इसमें कितने का लीटर है, ट्राई करते हैं ये पेट्रोल पंप। अदरवाइज ईरानी पेट्रोल ना सबका डिफरेंट प्राइस है, ट्राई करते हैं इधर से। तो भाई इधर से पेट्रोल डलवा दिया है, इधर 221 था, पीछे गए थे उधर 230 चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी गाड़ी का पेट्रोल काफ़ी हो गया है, अभी खूब एंजॉय करेंगे। चलो बलूचिस्तान छोड़ के आए हैं, अभी सिंध में एंटर हुए हैं, यहाँ से पीछे बलूचिस्तान आगे सिंध। तो अभी उस्मान भाई का गाँव है भाई, अभी समझो अपना एरिया है हमारा, है ना? तो अभी उस्मान भाई के गांव जाएंगे, तो वहाँ खूब एंजॉय करेंगे। वाटरमेंट में है ना, उस्मान भाई का ये पूरा गांव है, इधर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो उस्मान भाई का ये इलाका है, तो इधर एंजॉय कर रहे हैं। विलेज मेरा इधर भी है सामने सामने। हाँ ये कौन सा विलेज का नाम क्या था इसका? इसका भाई ये पहाड़ी में से बैठे नेम इसका रिंदाबाद। अच्छा 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 अच्छा, लिखा होगा। अच्छा ये दूसरे तो गाँव उधर है, उधर साइड तुम्हारा उधर से हमारा जमीन है और हमारा और जगह गाँव है वहाँ के। तो अभी इधर चल रहे हैं उस्मान भाई के। मेरा फेवरेट ग्राउंड ये है सामने क्रिकेट ग्राउंड। इधर क्रिकेट खेलते हो? सामने बड़ा ग्राउंड है इसके, उधर बड़े बड़े मैच होते हैं इधर। वाह 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 वाह, ये रास्ता जाता है ना? हाँ यही जाता है सामने। तो ये उस्मान भाई का पूरा गाँव है इधर भाई। कहते हैं कि रात के टाइम बड़े चोरियां होते हैं ना? नहीं यार। हाँ देख सकते हो। कैसे शोएब भाई? तुम तो कुछ भी नहीं होगा यार, तुम तो इस इलाके को हो ना, दूसरों को पूछो भाई। हाँ ना चोरियां तो होते होंगे ना, ये रोड सारे ऐसे लगा। हाँ ये साइड शहर है, ये साइड शहर है, कुछ भी नहीं है। आप बताओ तुम्हारे गाँव में कितने कौमों का लड़ाई चल रहा है? झगड़े तकरीबन यार 7-8 कौमों का चल रहा है। बताओ खुद, अच्छा जगह हुआ ये? नहीं हमारा गांव में नहीं यार, हमारे इलाके में। इलाके में ना, यही तो इलाका है ना, ये तो पूरा तुम्हारा यही इलाका। फिर इधर कितने कौमों का जगह चल रहा है? सच बताओ। 7-8 कौमों का जगह चल रहा है। फिर खुद कह रहे हो कि गिरा जगह महफूज है ये। महफूज है यार, हम लोग बिलाल इधर रात के साथ आऊंगा, तो फिर भी कह रहा है नहीं यार मैं नहीं आ सकता।
दिन को भी नहीं आएगा? नहीं आएगा अपने। भाई अभी उस्मान भाई कह रहा है कि तुमको मैं अपने इलाके खुद घुमाऊंगा, कैसे उस्मान भाई? हाँ भाई खुद ड्राइव करो ना, ऐसे आपको पता नहीं है हमारा इलाके खतरनाक इलाका है, गाड़ी चलाने का आपको शायद पता नहीं चलेगा। हाँ कह रहा है मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो कर रहा है उस्मान भाई ड्राइव। अभी कितना दूर है? इतना है सामने टावर देख रहे हो? हाँ नजर आ रहा है सामने मेरा विलेज है पूरा तुम्हारा गाँव। ये देखते हैं मिलते हैं आपसे। अभी उस्मान भाई के विलेज पहुंच चुके हैं। ये है तरबूज, है ना? तरबूज भाई ये देख सकते हो, खरबूजा तरबूज जो भी है हैंडल कर लो आप। वाटर मेलून ये देख सकते हो, यही है, ये बिलाल ही है ना भाई? बिलाल का नाम हमने रखा था वाटर मेलून, ये वही है। तो ये आपका गांव, ये अभी तक मेरे ख्याल से सही नहीं हुए है ना यार? सही नहीं हुए, बस एक दो दिन में सही हो जाएंगे। ये देखो ना कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, सब ऐसे ही है। नहीं वैसे इनका वाटर मेलून का दूसरा भी किस्म होता है एक, वो व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का जो पट्टे होते हैं सामने जमीन में, वो आपको दिखाता हूं मैं। उधर चलते हैं वो देखते हैं। हाँ बड़ अच्छी तरह। हाँ चलो 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 वो देखते हैं, दो तीन किस्म होते हैं। तो भाई अभी ये है एक वाटर मेलून, तो देख सकते हो आप उस्मान भाई के गाँव में। और भी है फौजी वाला, थोड़ा इस टाइप का होता है, उसका थोड़ा कलर ग्रीन होता है। कैसा लगा यार ये? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भाई अभी इस बाइक के इलाके में इस वक्त इसने कपड़े भी चेंज करके आया है, इतना हमें वेट करवाया इसने। तो ये है इसका कजन रिजवान भाई, और ये हमारे गाड़ी का पैप लीक हो गया, ये देख सकते हो आप, पेट्रोल का पैप लीक हो चुका है। क्या करें अभी उस्मान भाई, आ रहा है मिस्त्री? हाँ मिस्त्री आ रहा है भाई, मैं कॉल किया उसको, लीक भी जानी है मिस्त्री आ रहा है। बस गाड़ी का है, बस ये गाड़ी का पैप चेंज करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। उस्मान भाई से लेंगे इजाज़त तो फिर रवाना हो जाएंगे सीधा शक्कर के लिए। भाई बन जाएगा, टेंशन नहीं लो, बन तो जाएगा, टाइम ओवर हो रहा है ना, अपना इलाका यार क्या करेगा कुछ ना कुछ। अरजान भाई क्या कहो, आ रहे मिस्त्री? आ रहे मिस्त्री आ रहे, तो भाई देख सकते हो कि उस्मान भाई के इलाके में अभी रात होने वाला है, तो गाड़ी खराब हो गया था। बस यार बिलासी कह रहा था यार, वैसे इलाका अच्छा लगा? हाँ वैसे इलाका अच्छा है, बहुत अच्छा है ना इलाका, अच्छा है, लेकिन इधर मेरे हिसाब से ना ज्यादा बैकवर्ड है, मतलब पीछे है। पीछे तो यार इधर तालीम कम है ना, बहुत कम है, स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है जो आपको पता है वो चलते भी नहीं है। तुम इसलिए सकर भाग के आए हो? इसलिए मैं सकर आया हूँ, पढ़ो ना पढ़ो एंजॉय करो ना यार, पढ़ने आया हूँ सकर। हाँ अभी ये उस्मान का चाचू है सामने, तो ये जा रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपको आगे छोड़ता हूँ, ऐसे ना गाड़ी खराब हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, इन्होंने काफी हेल्प किया है हमारा। तो अभी इधर से निकल रहे हैं भाई सकर के लिए, टाइम काफी ओवर हो चुका है, तो बस अभी सीधा एक्सीडेंट पे हाथ होगा। खैर करेगा, सुकून रखो। हां कोई नहीं, ऐसे बिलाल सही कह रहा था है ना? बिलाल डरता है भाई मेरे इलाके से। कुछ नहीं कुछ भी है, ये बताओ कोई गन के साथ आपने देखा लोग? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे गांव के साइड वैसा ही थोड़ा बहुत माहौल है भाई, सेम है हमारा, आपका इलाका सेम ही है, आपको पता है। तो ये हल्का थोड़ा ज्यादा होता रहता है हर इलाके में, थोड़ा ज्यादा बिलाल नहीं आया ना इधर, इसलिए। हाँ ये बात है यार। तो अभी चले, अभी कहाँ चले, सीधा चलूंगा मैं, ये ना कुछ नहीं खाऊंगा कुछ नहीं पीऊंगा। चू करे गाड़ी को, मैं आख लास्ट में फुल चेक करूंगा कि फिर तो जाओ आप लास्ट में, बड़ा मिस्त्री बैठा हुआ चेक करेगा गाड़ी को। अच्छा हाँ ओके करके फिर आप जाओ। ठीक है ठीक है, उस टाइम आप तक चाय भी पिए जाओगे। तुम्हारा मैं अभी इसको कॉल करती है, तुम्हारा चाचू मेरे अबू को कॉल करेगा ना? हाँ सही कॉल करेगा, 5 मिनट इधर ही, कौन सा बड़ी बात है। तो मैं चाचू को कहूँ कि आप रात इधर हो, आपका अबू नहीं 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 यार इधर हो, कसम से एंजॉय करें रात को। नहीं नहीं भाई बहुत एंजॉय करेंगे, चलेंगे तुम्हारे इलाके में, डर लग रहा है। आप वैसे ही कह रहा था बैठे हैं यार, क्या कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो भाई अभी उस्मान भाई सबसे इजाजत लेके तो वहाँ से रवाना हो गए हैं, मतलब आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हो अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, तो बस सीधा आपको सक्कर में देते हैं, काफी जल्दी है मुझे, टाइम ओवर हो रहा है ना, तो बस सीधा आपको सक्कर में देते हैं। तो भाई अभी सकर पहुंचने वाले हैं, तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है,
तो मेरा इरादा है कि मैं काफी थक चुका हूँ। तो बेटो आज का यही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हालत भी काफी खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गया था ना ये, तो 1.5 घंटे इधर जाया हो गए थे, है ना। वैसे जल्दी निकल गया मैं वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब डाल भी करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है यार। अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी करें यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ नहीं करता, हमारा बहुत फायदा होता है। शोएब भाई साथ हैं भाई, और बस अभी यहाँ से जा रहे हैं भाई। ये देख सकते हो, स्पीड से चेक कर सकते हो, यहाँ से लाइव 100 स्पीड है, फुल स्पीड से जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।